के पीछे हालत इसी बन रही है। 8 महीना पे किसान बैठे दिल्ली के बाद रहे ऊपर, आज अभी अपने दो टोल हैं जींद में, इन पर बैठे हैं रोड़ा के है। 5 साल पहले उनके बीच में जब जाया करते किसान के बीच में बात करते, अपनी भी मीटिंग करते, तो मजदूर है हमने भी कहा करते भाई हमला खेती पे भी होगा या खेती भी उजड़ेगी, इस खेती में कहना जाएगा देश का प्रधानमंत्री जब जो कोई दे या के उसका है ईब ईब देश अंडर पर डाला। क्यों? क्योंकि खेती भी बेचने का फैसला कर दिया सरकार ने, और खेती भी कहेगी तो सबसे बड़ा हमला देश की मजदूर जमात को होगा, भारत में किसानी को होगा, क्योंकि खेती से जुड़े हुए सारे। ईब कहीं देख लो आप, प्राइवेट खरीद करने की छूट दे दी, सरसम खरीद ली प्राइवेट कंपनियां ने, एफर्ट को खरीदने की इजाजत नहीं दी सरकार ने, सरसम का तेल रितु पद है बन रोड़ा मचा तो निकले 250 रुपये दे देंगे। हमने कही भाई तू 50 हमारे पे ले ले, 300 रुपये हम 2 लीटर तेल जाए तो तेल पूछ गया 200 रुपये लीटर। और अगर अगली बार गेहूं की खरीद नहीं हुई, धान की खरीद सरकारी नहीं हुई, तो डिपू पर राशन भी आना बंद हो जाएगा। तो सब तक फालतू देश की मजदूर जमात ने ये कानून से देंगे, और कानून ये नहीं 44 कानून मजदूरों के बदल दिए तो आजादी के आंदोलन में, उसके बाद हमारे पुरखों ने लड़ाइयां लड़के बनवाए थे बदल दिए। 8 घंटे की ड्यूटी लड़के हासिल की थी, इन सरकार कह छूट देंगे को 12 घंटे करवाओ को 16 घंटे काम करवाओ, गाड़ी की गारंटी नहीं। ये मंगलवार का बोर्ड है, पूरे देश में 61,000 करोड़ रुपये जमा है पूरे देश में, इसके ऊपर लाल लिख प्रेरण की तैयारी, पीछा का घाटा नहीं, कुंडली मार के बैठना था बात करेंगे। मैं तो पिछड़ा वर्ग का हूँ, मैं तो चाह बेचनिए का पैदा हो रहा था, रईब तो तू अंबानी की औलाद बन रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं बिक रहा है अंबानी का डाणी का। और यही कारण है कि देश के पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ गई कई कई गुना, गरीब आदमी तली में जाता चला गया। भवन निर्माण के मजदूरों को आज से 4 साल पहले औसतन साल भर में 150 दिन काम मिलता था, ईब ईब वो सोते भी तला जा रही है, ईसा दिशा होगा जिसमें 4 दिन भी काम ना मिलता है, चुक्कर कर चल लेगा, चुक्कर गुजारा होगा। इन सारे मसलों को लेके आने वाले 3 तारीख को मनरेगा में लोगों को काम मिले, टाइम पर पेमेंट हो, पेमेंट में भी जूत बाज गया, उन्हें न्यू बेरा है कि सारी बिरादरियों के लोग कट्ठे काम करें मनरेगा में। लेकिन सरकार के कह है, सरकार का है एससी का नारा बनेगा, मस्ट्रोल लैरी पेमेंट होगी, बीसी का नारा बनेगा, जनरल का नारा बनेगा, ताकि ये कट्ठे बैठ के बतलान पे भी जा, इन्हें मजबूत बाजा रहा है, तेरे तई आग पूछाई नहीं इनका दूध बाजा रहा, आपस में दूध बजाए जा, लोगों के बीच में फाड़ कर उनके रास्ते हो रहे हैं, जातियों के हिसाब से मनरेगा की पेमेंट होगी। अरे गिने दिन में रुपए देंगे मनरेगा बंद, क्योंकि नारे नारे आप फाट लिए, अलग अलग आप हो गए तो कट्ठे मिलकर लड़ने का राम ही खत्म, इसलिए जरूर किस बात के लिए साथियों कट्ठे होके लड़ेंगे तो कुछ ले रहेंगे, जो देश की लोगों ने कट्ठे होके लड़के आजाद करवाया था, अंग्रेजों का गुलाम था, जवान जवान उम्र के बच्चों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान की थी देश की आजादी के लिए, तो आज एक तरीके से चले दोबारा से देश की आजादी खतरे में पड़ रही है, बोलने नहीं देते किसी को, बोलता उसको मुकदमे दर्ज कर देते हैं, उसके बावजूद लोग सड़कों पर आके लड़ रहे हैं, लड़ाई चल रही है। आप भी 3 तारीख को बड़ी संख्या के अंदर सिरसा पहुंचेंगे, यो नियुक्ता देने के लिए आए भाई दुष्यंत चौटाला जो मंत्री है मजदूर के नाम का, जो पंचायत का मंत्री है मनरेगा का नाम का, जो राशन डिपो वाला डिपार्टमेंट का मंत्री है, 11 महकमे का मंत्री है, जिन मतलब बहुत हिस्सा मजदूरों से जुड़ा हुआ है, तो उसका घर जो है आप घेरेंगे 3 अगस्त को जाके, उसका नुक्ता देने के लिए आप लोगों के बीच में आए हैं। और मान जाएगा तो ठीक, नहीं तो 9 तारीख ने सारा देश में हजारों हजार लाखों लाख लोग गिरफ्तारियां देने के लिए जाओगे भाई, कि तेरा भाई रोटी तो तेरा पहली तू जेल में ठोक दे, ओड़े खा खुलेंगे रोटी, बतेरे छिकली है जिंदगी जो थी तुमने, मेरा नमाती कर रखी है। 3 तारीख की तैयारी करो, गांव में अभियान चलाओ, घर घर जाओ, पीछा ढेला इकट्ठा करो अपना साधन करके,
तड़के 10 बजे सिरसा रेलवे पार्क में आप पहुंचोगे। यही अपील करने के लिए आप लोगों के बीच में आए थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंकलाब।